अच्छा गया एग्जाम बताइएगा जी। अच्छा ही गया। अच्छा गया जी। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? हम 56 किए हैं। 56 किए हैं, बिल्कुल। तो पूछिए जैसे कि साइंस का लेवल आपको कैसा लगा? उसमें चुंबक के से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। चुंबक से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और आवर्धन से भी पूछा गया था। अच्छा, आवर्धन आया तो मतलब दर्पण वाला चैप्टर से आया था। जी हाँ, और लेंस से भी उसमें 3 न्यूमेरिकल आया था। अच्छा, कैसा गया एग्जाम बताइएगा? और क्या था? 3 को न्यूमेरिकल था, लेंस और अवतल दर्पण सबसे था। अच्छा, अवतल दर्पण और लेंस से 3 न्यूमेरिकल। हाँ जी। अच्छा, और बायोलॉजी का कहाँ से क्वेश्चन था? बायोलॉजी से था, सर भी याद नहीं है बायोलॉजी का क्वेश्चन। बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं था। प्रजनन तंत्र से यहाँ से कोई क्वेश्चन? बायोलॉजी से एड्स से वो था, एड्स हाथ मिलाने से नहीं होता है। अच्छा, एड्स से एक क्वेश्चन आया कि हाथ मिलाने से किससे नहीं होता है एड्स। हाँ, उसके बाद और एक लगता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन था। अभिक्रिया से क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, किस टाइप से था? केमिकल रिएक्शन से 3 क्वेश्चन था सर जी। 3 क्वेश्चन, बिल्कुल। अच्छा, और पीरियोडिक टेबल से? पीरियोडिक टेबल से भी था, 2 क्वेश्चन था। क्या था, किस टाइप से क्वेश्चन था? वो था कौन सा धातु, कौन सा धातु? सोडियम धातु का मतलब था कि सोडियम, इसमें धातु कौन है तो सोडियम था ऑप्शन में। अच्छा हाँ, तो बाकी सब धातु था, सोडियम धातु था वो था। हाँ, फिर एक साहित्य, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल वाला। हाँ, किस भाषा में लिखा गया है? फिर था कि केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए मतलब नाजमा क्या नाम था, खातिमा परवीन करके 2 महिला का मतलब कि गठन किया गया है, शायद जम्मू कश्मीर, शायद उसका आंसर है। अच्छा, वहाँ से था। हाँ, वहाँ से था। अच्छा, कोई भी गुरुत्वाकर्षण यहाँ चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आया था? जी नहीं। मोशन वाला जो है, न्यूटन वाला? मोशन से भी नहीं था यहाँ से कुछ। जी नहीं था। 10th तो जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न है? सेम पैटर्न है, थोड़ा रीजनिंग और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसे रीजनिंग का जरा सा टॉपिक बताइए, कौन कौन सा टॉपिक? रीजनिंग ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ब्लड रिलेशन। हाँ, ब्लड रिलेशन कैलेंडर से था। कैलेंडर से एक क्वेश्चन था जी। कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से एक भी नहीं है। डिस्टेंस डायरेक्शन? हाँ, वो है, 2 क्वेश्चन उससे था कि आगे से राम बैठा है 29 स्थान पर, पीछे से ये थे 2 क्वेश्चन था सर। हाँ, 2 उसमें से 2 क्वेश्चन है रैंकिंग का। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग से में 2 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से जी। किस टाइप का था, मतलब हार्ड वाला था या आसान? नहीं, आसान था, आसान था, दोनों आसान। सिलोलिज्म से? सिलोलिज्म से 2 क्वेश्चन है। सिलोलिज्म से 2 क्वेश्चन है, सिलोलिज्म से। अच्छा, और आपके सीरीज से? सीरीज से भी 2 क्वेश्चन था। सीरीज से 2 क्वेश्चन जी। मतलब रीजनिंग का लेवल कैसा लगा? ठीक था, रीजनिंग आसान था। बोल रहे 7-8 आ रहा है, ये क्या नाम है वाला था क्या? ना ना, वो सब नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन वो था कि सोमवार को काम करता है, मंगलवार को काम करता है, वो ऊपर नीचे। अच्छा, वो एक था, उसके बाद एक क्वेश्चन उससे था। अच्छा, उसके बाद से लगता है कि 3 था सिटिंग अरेंजमेंट, एक वर्ग वाला था और उसके बाद एक वृत्त वाला था। बस आसान ही। धातु धातु से कोई भी क्वेश्चन? धातु धातु से था, था सोडियम वाला, जो धातु वाला था, सोडियम ऑप्शन में था। कार्बनिक एल्केन धातु था, ये धातु था, उसमें छाटना था। ग्रुप से नहीं था, चार विकल्प में 3 को धातु था और एक धातु था जिसमें सोडियम था आंसर, धातु वाला आंसर होगा। सोडियम धातु वाला है जी। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं, कार्बन कंपाउंड से नहीं था? ना, कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन नहीं था। ऐसे नहीं था, एल्केन का, प्रोपेन, ब्यूटेन यहां से ना, ये एक भी क्वेश्चन नहीं था। केमिकल फार्मूला कहीं से ब्लीचिंग पाउडर ये सब ऐसा कुछ ना? इसमें ब्लीचिंग पाउडर से था सर, ब्लीचिंग पाउडर से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, हां। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था सर, वो अभिक्रिया कराने पर कौन से गैस निकलता है, उसमें से था। सिल्वर आयोडाइड वाला था, सिल्वर आयोडाइड, इसको गर्म करने पर कौन सा निकलता है? लेड ऑक्साइड को गर्म करने पर वो जो 4N2 निकलता है ना सर, 2PbO और 4N2 प्लस O2 निकलता है, उसमें से क्वेश्चन था। लेड आयोडाइड वाला था जी। लेड और डाइड को गर्म करने पर क्या वो छेप बनता है? अच्छा, हाँ, लेड और आयोडाइड इसको गर्म करने पर, उससे वो था क्वेश्चन। अच्छा, तो बायोलॉजी का कितना क्वेश्चन लगभग था आपके हिसाब से? बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत कम है, लगता है कि 2-3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन होगा, मैथ ज्यादा काफी था, मैथ ज्यादा था, हमको लग रहा है कि 25-30 के ऊपर होगा, 30 के ऊपर होगा मैथ, मैथ रीजनिंग दोनों मिलाकर। करंट अफेयर्स का कहा जाए तो संविधान से तो एक क्वेश्चन बताया आया हुआ था जी। संविधान से कहा, एक लाला लाजपत राय वाला था कि सर्विस सोसाइटी 1921 में ज्वाइन किए थे, वो था। लोकसभा जो 2019 का हुआ वो कमी चुनाव था, ये पूछा गया था। लोकसभा जो 2019 वाला हुआ वो कितना नंबर? हाँ, वो कौन सी क्रम संख्या था? दीपिका पल्लिकल करके वो खिलाड़ी है जो स्क्वैश खेलती है। हाँ, तो वो उसका था। अच्छा, कि दीपिका पल्लिकल किससे रिलेटेड है? एक और उसके साथ में खेलता है, दोनों लोग खेलता है, मिक्स खेलता है लोग। अच्छा, तो वो था, तो वो स्क्वैश था। वहाँ से क्वेश्चन था। कोई भी खेल जगत से और भी खेल जगत से एक और क्वेश्चन था, खेल जगत से एक और क्वेश्चन था, शायद मुक्केबाजी की क्या था वो नहीं बनाया, वो 2021 का नहीं समझ में आया था, 2021 का था वो। IPL से कोई भी क्वेश्चन था क्या? IPL से क्वेश्चन नहीं था, IPL से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और जैसे कि कहने का मतलब कोई ओलंपिक, पैरा ओलंपिक यहाँ से नहीं, ओलंपिक पैरा ओलंपिक राष्ट्रमंडल ये सबसे नहीं था, नहीं था। अच्छा, वाटरमैन पूछा था राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है। अच्छा, वाटरमैन क्या था क्वेश्चन? जो इंडिया के वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह है ना, राजेंद्र सिंह के। हाँ, राजेंद्र वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह, हाँ, उससे क्वेश्चन। अच्छा, और नियुक्ति से कोई क्वेश्चन था क्या कि किसे नियुक्ति?
पार्टी से तो अभी शायद शायद नहीं था। मोदी जी का योजना से कोई क्वेश्चन जी नहीं? योजना था ई कुछ ESG ऐसे करके कुछ शिक्षा वाला योजना था, उसका आंसर नहीं मालूम था। ESG ऐसी कुछ शिक्षा व्यवस्था का था। करंट अफेयर 2022 का ज्यादा था 2021 का? 22 का ज्यादा था, 21 2022 का ही है। 19 वाला वो लोकसभा वाला था, 19 वाला तो लोकसभा वाला, हाँ बाकी 22 का ही दो तीन था, एक था 21 का, नवंबर का शायद था, नवंबर लिखा हुआ था। कोई हार्ड नहीं था, मैथ ठीक था, मैथ अच्छा था। हाँ कुल सब परसेंटेज लाभ आने दिया था और रीजनिंग सब दिया था, एबी सीड वाला। आप कितना अटेम्प्ट किए हैं? हमको मतलब 85 से 90 तक के आसपास किए। 90 आपका जोन बताइएगा, मतलब जोन आपका कौन सा? बोर्ड से फॉर्म अप्लाई किया है? चेन्नई बोर्ड है मेरा। चेन्नई बोर्ड, हाँ। तो मैथ्स का लेवल कैसा लगा बताइएगा? मैथ का लेवल मीडियम था, हम 56 अटेम्प्ट किए हैं, गलती नहीं होगा मेरा। गलती नहीं जी, नहीं चेन्नई जोन से हम ज़्यादा मात्रा में था सर उसमें। आपका चैनल जीएस वाला चलता है वही? हाँ जी। एग्जाम दिए हैं जी? कैसा गया एग्जाम बताइए? बढ़िया सर, लेवल रीजनिंग का मैथ का ठीक था लेवल एकदम ठीक है जी। अच्छा आपका अटेम्प्ट कितना है? हम 63 किए हैं बस जी। अच्छा, जितना बना उतना ही बना है बस। जोन बता दीजिएगा। मैं दिल्ली जोन था। आप अंक आगे आ जाइएगा। अच्छा बताइएगा कि मैथ्स का लेवल थोड़ा सा कि एडवांस मैथ से कितना क्वेश्चन था? मतलब लेवल मैथ का ठीक था, रीजनिंग का भी लेवल ठीक था। जैसे अफवाह उड़ा रहे थे लोग कि मतलब लेवल हार्ड है, ये ऐसा कुछ नहीं था। जीके जीएस थोड़ा था, करंट अफेयर 21-22 से आया था। जीके जीएस जो है 21-22 से आया था। 21-22 बस था। कोई भी इतिहास से कुछ क्वेश्चन था? इतिहास से क्वेश्चन नहीं, वो किस काल का जो पुस्तक लिखा गया था किस काल से ऐसा कुछ करके था। अच्छा जी, किस भाषा संगम सहित वाला जो बोल रहे वही वाला? किस भाषा में पुस्तक लिखा गया था वो भी था? किस भाषा में? जी जी, संगम साहित्य में लिखा गया था। संगम साहित्य जो है उसको किस भाषा में लिखा गया था? मैथ्स में एडवांस पोर्शन से ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। डीआई से कैसा था क्वेश्चन? डीआई से था क्वेश्चन था। कौन सा था, सर्कुलर वाला था या बार वाला था? मतलब उसमें था दो तीन, उसमें से तीन चार क्वेश्चन लगभग था। ग्राफ वाला से था सर? ग्राफ वाला से हां क्वेश्चन है। अब ब्रीथ पाई चार्ट भी था और ग्राफ वाला भी था। लास्ट क्वेश्चन सबसे था 100 नंबर वाला क्वेश्चन, जो 100 नंबर पे जो था वो ग्राफ वाला था, पाई चार्ट भी था उसमें। ओवरऑल आप लोग बताइएगा, सीआई का क्वेश्चन दो रिपीट किया था लगातार जी। अच्छा क्या क्या था सीआईएसआई का? दो साल में निकालना था, कितना मतलब होगा उसका सीआई? हां प्रॉफिट लॉस से कितना क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस से एक दो एक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से जी। टाइम एंड वर्क पाइपलाइन सिस्टम यहां था, इससे भी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से था क्वेश्चन, मतलब लगभग एक दो क्वेश्चन, मतलब लगभग सभी चैप्टर जो कॉमन चैप्टर है उससे था। इनइक्वालिटी से था क्या? इनइक्वालिटी से था एक क्वेश्चन। जिनका सामने एग्जाम है उनको क्या सजेशन देना चाहते? बस कुछ नहीं, अफवाह में नहीं पढ़ना है दूसरों के कि इतना हार्ड लेवल आ रहा है, कुछ नहीं, जो बस रिवीजन करके जाएंगे। हाँ बस टाइम टाइम जो ध्यान देना है, टाइम टाइम पे मतलब टाइम समय का रखना है ध्यान। और रीजनिंग का लेवल ठीक था, हम सुने थे कि बहुत हार्ड आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग ठीक था। दो तीन क्वेश्चन में जल्दी किया था बस रीजनिंग में, बाकी सब ठीक था। ये जो हम लोग एनालिसिस करा रहे हैं इससे फायदा हुआ पहले? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखते हैं, हमें रोज डेली देखते हैं आपका, तो क्योंकि आप जो हर एक सेंटर पर जाकर क्या करते हैं सर। चुंबक से जो क्वेश्चन आ रहा है वो परिनालिका जो अंगूठा घुमाने चुंबकीय क्षेत्र उस पर आधारित दो क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, नहीं बना था वहाँ से दो क्वेश्चन जी। हाँ इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ाए कल पढ़ाए उससे क्वेश्चन लड़ा था जी। हाँ जिनका आगे एग्जाम है क्या वो अच्छे से तैयारी करते रहे, और जो तैयारी कर रहे होंगे उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, उनको तो हर हाल में होना ही है। मतलब कमाली जैसे 55 से 65 के बीच में जिनका हो रहा है अगर सही सही उनका रिजल्ट हो जाएगा, बस जो लेवल है उसके आंसर बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को एनालिसिस देने के लिए। आप ये देखें कि 19 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, और साथ में आप लोग को इसका पूरा क्वेश्चन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी शिफ्ट का काफ़ी सारा क्वेश्चन बता दिया, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर बचा हुआ है तो 40 से 45 क्वेश्चन आपको साइंस का और जीके जीएस का टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, फ्री में पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा 1 घंटा के अंदर में। साथ में आप लोग देखें कि कल जो हम लोग प्रतिरोध वाला चैप्टर किए हैं ओम्स लॉ वाला, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ था कल जो करवाए उसी जी। हाँ उससे क्वेश्चन लड़ा है आया जी, चलिए वो आया था। और आज हम लोग जो है 50 क्वेश्चन 12:30 बजे लाइव करने वाले हैं, वैसा 50 क्वेश्चन जो कि आपका पिछला जो है पूरा एग्जाम में आया हुआ, और वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारा रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन आपका पैटर्न जो रिपीट हो रहा है। तो 12:30 बजे सभी को लाइव जरूर आइएगा, 50 क्वेश्चन हम लोग साइंस का करेंगे। और आप लोग के लिए तीसरा नंबर अपडेट है कि NCERT एग्जाम्पलर बुक का क्लास 9 और क्लास 10 का पूरा आपको जो है चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है बिग बूस्टर ऐप पे, तो आप लोग बिग बूस्टर ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अच्छा बिग बूस्टर से लाभ हुआ है ना? से लाभ हुआ ज़्यादा। अच्छा तो वहाँ से जो है आपको NCERT का जो है आपको चैप्टर वाइज टेस्ट साइंस का अवेलेबल है, ठीक है, तो जरूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से अभी हम लोग मिलेंगे सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट से पहले अभी हम लोग लाइव मिलेंगे 12:30 बजे, और उसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 12:30 बजे, सभी को लाइव आइएगा। धन्यवाद सभी।